अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। तो यार आजकल आप लोगों को पता है शादी शादी वगैरह के सीजन वगैरह आ गए हैं, तो हम लोग जा रहे हैं शादी पे इस्लामाबाद। तो वीडियो पूरी जरूर देखना। Hours later. तो गाइस अभी हम अपने फ्रेंड अब्दुल्ला भाई के घर आ गए हैं। जल्दी से सामान उतारते हैं, उसके बाद अंदर चलते हैं। मस्त जोक मारा रे। हम अब्दुल्ला भाई के घर पहुंच चुके हैं, लेकिन यार अभी क्या सीन है कि वो अपने कॉलेज गए हुए हैं। तो जैसे ही वो वापस आते हैं ना, तो उन्हें हम सरप्राइज देते हैं। उन्हें आई थिंक अभी तक नहीं पता कि मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, मतलब गए हुए बस सरप्राइज देना था। तो अभी चलो, वो जैसे ही आते हैं वापस अपने कॉलेज से, तो उनसे मिलते हैं। और अभी ये देखो बाइक वगैरह किधर गई, हमारी बाइक है देखो उधर बाइक खड़ी है, तो बाइक वगैरह चलते हैं घर। तो उसके बाद देखते हैं यार क्या सीन बनता है आज का। फिर देखो ये खड़ी हमारी बाइक, जल्दी से चलो घर चलते हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अभी गाइस हम आए हैं फिलहाल टेलर से कोई ड्रेस वगैरह पिक करने, बैग हम घर से ही लाए हैं। तो जल्दी ड्रेस पिक करते हैं फिर निकलते हैं घर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। गाइस मुझे ना अभी उधर से एक अजीब सी आवाज सी आ रही है, इधर एक मिनट आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। ये कहाँ से आया है? क्या बात है यार, फाइनली यार मुआज़ भाई आ गए जिनसे मिलने आए थे फाइनली। और मुआज़ भाई कल शादी पे भी है, ये इन्हें भी इनवाइट किया गया है तो ये भी आएंगे। और मुआज़ भाई यार काफ़ी टाइम बाद मेरे ब्लॉग में आ रहे हैं। और मुआज़ भाई बताओ क्या हाल चाल है आजकल, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? मैं क्या बताऊँ। गाइस कल ना मुआज़ भाई के साथ जरा मैं थोड़ा इधर उधर ना निकल गया था, वॉक वगैरह पे चले गए थे और थोड़ा शॉपिंग वाले वो जो मार्ट गए थे वहाँ से बस एक अधिक चिज्जी लेके आ गए, मतलब कि चिप्स बिस्किट वो सब ना नॉर्मल होता है। तो उसके अलावा जो है कल का दिन ना इतना कुछ खास हुआ नहीं। तो अभी फिलहाल हमारा क्या है 2 नवंबर का दिन शुरू हो गया कल, यानी कि जुम्मा यानी कि 1 नवंबर था। और अभी फिलहाल यार इन भाई की कटिंग ना, मतलब इन भाई ने कटिंग करवानी है, लेकिन मैं इनके साथ वैसे ही जा रहा हूँ। मैं उधर वेटिंग वेट कर लूंगा और बाकी ये कटिंग करा लेंगे, मेरी वैसे ही ऑलरेडी कटिंग हुई भी है। तो चलते हैं इनके। A few moments later. बस कटिंग की शॉप से क्या सीन हुआ था कि कटिंग करा के ना मतलब आ गए थे इन भाई ने अपनी कटिंग करा ली अब्दुल्ला भाई ने। बाकी अभी हमारा क्या प्लान बन रहा है फिलहाल है, थोड़ी कुछ क्रेविंग हो रही है कुछ खाने पीने की, तो अभी चलते हैं कोई ना चीज खाने के लिए, कोई देख लेते हैं कोई रेस्टोरेंट अच्छा सा वहाँ चलते हैं। पूछा मैंने कुछ मजेदार। 3 hours later. तो गाइस अभी हम फिलहाल यार यहाँ पे इधर ना वेन्यू पे पहुंच चुके हैं। वो आ गए ना यहाँ से भी इतनी लंबी ना बारात भी एंटर हो रही है, हम थोड़ा आई थिंक टाइम पे आ गए, लेकिन हम ना मतलब बारात के साथ पूरी सेराबंदी के साथ नहीं आए, हम अपना अलग से आए हैं। तो फिलहाल ना लेकिन एंड टाइमिंग हमारी बिल्कुल सेम थी। वो देखो आगे वो अभी गाइस पूरी बारात एंटर हो चुकी है अंदर तक, लेकिन हम फिलहाल इधर साइड पे आए हैं थोड़ा यार इधर पिक्चर्स वगैरह क्लिक करने, पिक्चर्स वगैरह क्लिक करते हैं फिर हम भी चलते हैं अंदर। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। सो गाइस हम एक डाइनिंग टेबल ढूंढ के इधर बैठ चुके हैं। ये चल झूठा। बाकी ये देखो इन लोगों ने ये फिज़ नेक्स्ट की बोतल दी हुई है, साथ कोला नेक्स्ट की बोतल दी हुई है, साथ ये प्यार सा गमला है और साथ थोड़ा प्यारा सा एम्बियंस। चेक करो आप लोग, बहुत ब्यूटीफुल मार्की है यार ये अंदर से। आप लोगों को एक मैं हर तरफ से थोड़ी सी दिखा देता हूँ, ये चेक करो भाई, मतलब कि भाई इन लोगों ने ना इसको नेक्स्ट लेवल बनाया हुआ है। अंदर से बहुत प्यारा एम्बियंस है इस मार्की का। और इस मार्की का अगर मैं आप लोगों को नाम बताता चलूँ तो ये इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे है, इसका नाम है पैसिफिक मैंशन। अभी गाइस फिलहाल खाना वगैरह खुल चुका है, ये देखो यार मेरे पास राइस है और नान है और मौज भी ने राइस वगैरह खा रहे हैं। घर वगैरह आ चुके हैं और अभी फिलहाल मैं तैयार होने जा रहा हूँ होली में वगैरह के लिए। वैसे क्योंकि यार देखो हम घर आ गए थे कल रात को ही आ गए थे, मतलब के कल रात 3 बजे। और फिलहाल ना आप लोगों को मैं दिखा दूँ, देखो थोड़ा दिन वगैरह है, अभी वैसे शाम हो गई है
तो रात के मतलब ना अभी 5 बज रहे हैं शाम के, और रात तो तकरीबन 8-9 बजे के करीब फंक्शन है, तो उसके लिए अब देखो बाल वगैरह थोड़े बनवा लेते हैं और ड्रेसिंग वगैरह कर लेते हैं, तो उसके बाद ना निकलते हैं अपने वली में के फंक्शन के लिए। मस्त जोक मारा रे। A few moments later. अभी गाइस फिलहाल मैं अपनी फुल हैंडसम लुक में तैयार हो चुका हूँ, ये चेक करो, व्हाइट कोट, व्हाइट ब्लैक फॉर्मल शर्ट है मेरे साथ, साथ में ब्लैक पैंट है, ठीक है, साथ ये ब्लैक ड्रेस शूज है, ठीक है। तो भाई मैं मेरी लुक नेक्स्ट लेवल आ रही है, मुझे पता है यार इधर ना मिरर में देख के, ओ भाई साहब। और ये देखो यार ये बाकी मोइज ना यार ऊपर से वेस्टकोट ही पहन लेता नहीं गाइस ये कह रहे यार ये थोड़ी देर में पहनेगा, अभी फिलहाल इसलिए नहीं पहन रहा, ऐसे गर्मी लग रही है, तो खैर बाकी मेरी लुक आप लोग चेक कर लो यार। अभी हम पूरे तरीके से रेडी हो चुके हैं, निकलते हैं वेन्यू पे। गाइस जाने से पहले थोड़ा सा परफ्यूम लगा लेते हैं फिर निकलते हैं जल्दी से। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ए नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोनिया सुन ले मेरी दिल दिया गल्ला। गाइस आप इस मार्केट का खूबसूरत एम्बियंस चेक कर सकते हैं, इस मार्केट का नाम मैंने मेंशन कर रखा है। गाइस खाना वगैरह खुल चुका है, पहले मैंने यार वो दो रोटियां ली थी, अब चावल लिए हैं, मजेदार। इधर गाइस इन लोगों ने बहुत प्यारा सा एक ना स्वीट डिश के लिए सेक्शन बनाया हुआ है, आप लोग चेक कर सकते हैं सारा सेक्शन। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। अभी हम फिलहाल फंक्शन से घर वगैरह आ चुके हैं, और बाकी मैं आज के ब्लॉग को यहीं पे फिनिश कर रहा हूं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। आपसे मिलते हैं और नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।